गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष या एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। अभी तक जो हम ओवर द काउंटर टीडीएस का पेमेंट करते थे वो अभी बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। ओवर द काउंटर आपको थ्रू चेक टीडीएस पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन सीआरए नंबर, चालान रेफरेंस नंबर आपको जनरेट करना पड़ता है फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल। तो वो सीआरए नंबर कैसे जनरेट करेंगे फॉर द टीडीएस पेमेंट, वो आज हम देखेंगे पोर्टल पे। ये सीआरए नंबर कैसे जनरेट करते हैं इनकम टैक्स के ई पोर्टल पे, आपको होम पे ये ई पेमेंट का ऑप्शन होता है। ये ई पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप आते हैं तो ये डिटेल्स फीड करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट आपको पैन और टैन फीड करना है। आप अगर टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टैन नंबर यहाँ पे फीड करना होता है। तो हमने यहाँ पे टैन नंबर फीड कर दिया और ये प्री लॉग इन करेंगे पेमेंट। विदाउट लॉग इन चालान रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टीडीएस। तो ये टैन नंबर डालने के बाद अभी यहाँ पे हमारे को फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड है ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, क्योंकि यहाँ पे हम लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं। तो ये ओटीपी के थ्रू लॉगिन होएगा फॉर जनरेशन ऑफ चलान। तो ये हमने नंबर डाल दिया, जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो ये ओटीपी आता है और जो फ़ोन पे ओटीपी आएगा वो ओटीपी हमारे को यहाँ पे डालना है। इस सेम प्रोसेस के थ्रू आप टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ओवर द काउंटर भी कर सकते हैं थ्रू चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट। कैश के थ्रू भी पेमेंट करने का ऑप्शन है, बट उसमें एक लिमिट है कि अगर 10,000 के अंदर ही है आपका पेमेंट टैक्स का तो ही आप कैश के थ्रू चालान का पेमेंट कर सकते हैं। इन अदर केसेस आइदर आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा अगर ओवर द काउंटर करते हैं तो। देन ओवर द काउंटर के अलावा आप एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू। देन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी इसका कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये ओटीपी डाल देते हैं ना, ओटीपी डाल के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं तो ये एक ओटीपी वेरिफिकेशन का मैसेज आता है, देन आपको कंटिन्यू करना है। फर्स्ट आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, हमारे को करेंट ईयर का पेमेंट करना है तो 23-24 सेलेक्ट किया, देन कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ पे सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन दिखते हैं जो भी टीडीएस के सेक्शंस है वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, सर्च बॉक्स होता है, या फिर यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का पे करना है तो कॉन्ट्रैक्ट सर्च किया तो 94C आके मैंने सेलेक्ट किया, देन कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ पे मेजर हेड सेलेक्ट करना होता है, जो डिडक्टी है वो कंपनी है या नॉन कंपनी है, तो अदर देन कंपनी हमने सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पे टैक्स फीड करना होता है फॉर्म, मैंने टैक्स अमाउंट यहाँ पे फीड कर दिया। बाकी जो इंटरेस्ट सरचार्ज है, पेनल्टी है अगर आपका, तो वो यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। देन जो भी चालान के डिटेल्स है वो फीड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड पेमेंट एट बैंक काउंटर, NEFT, RTGS। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे को ओवर द काउंटर करना है तो पे एट बैंक काउंटर में हमने क्लिक किया। कैश के लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 10,000 से कम रहेगा तो भी आप कैश के थ्रू कर सकते हैं। चेक हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे तीन ही बैंक आते हैं चेक के लिए, फेडरल बैंक, कोटक बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। हम बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करें तो बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक प्रीव्यू दिखाता है चालान फॉर्म का। आप जरूरी है पेमेंट डिटेल चेक कर लें और चेक करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है, फिनांशियल ईयर है, हेडिंग है, वो चेक करने के बाद आप कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आपको ये चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा और फिर ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा और ये चालान के अंदर जो आपका सीआरए नंबर है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं लेफ्ट साइड। तो ये आप चेक से अगर किया है आपने तो चेक के साथ ये बैंक में सबमिट करेंगे तो फिर आपका चेक का पेमेंट हो जाएगा। तो ये थे प्रोसेस फॉर पेमेंट ऑफ TDS थ्रू चेक एट द बैंक काउंटर। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।